नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र पथरिया। आप देख रहे हैं बाई टी मीडिया। मैं हूं इस समय आलू मंडी सातनपुर फरुखाबाद में। आज रात बरसात तो नहीं हुई, लेकिन ये कीचड़ यहाँ पे बन गया है, ये कीचड़ रहेगा। अभी बहुत हाल खराब है और आवक जो है आज कम है। आपको दिख रहा होगा ट्रैक्टर इधर उधर मतलब लगे हुए हैं दूर दूर, तो इससे अंदाजा ये लगता है कि आमदनी जो है कम होगी आज। मुझे ऐसा लग रहा है कि 30-40 मोटर होगी और बाकी पता करते हैं कि क्या रहा है आज। और ये किसान है भैया हमारे साथ, और ये हाँ, और आलू आरती है राजेश जी। तो कहाँ से दादा? गड़ा खेरे। कल तो मौसम खराब रहा, मतलब कई बार पानी आया होगा दिन में। आलू आपने खोद कैसे लिया? ऐसे ही खोद लिया, बार बार पन्नी डाल के, मतलब बरसात में खोदते रहे पन्नी डाल डाल के, ऐसे खुद के आता है। कुछ लोग ये पूछते हैं कि भैया बरसात होती रहती आलू खुद कैसे जाता है? होती तो लोग देते हैं भाई, जान देते पन्नी से। बालू मिट्टी वाले खेत होंगे अपने? हाँ, तो ये बालू मिट्टी वालों की खुदाई हो जाती है। आलू बड़ा अच्छा है आपका, ये आलू अच्छा है। कौन सा आलू है ये? ख्याति है, निकला भी अच्छा होगा। सही निकला है। कितने खेत का है ये एक ट्राली आलू? एक ट्राली है कुछ पैकेट दे, पौने दो बीघा का है। कितने पैकेट होंगे टोटल? 90-95। बड़ी ट्राली है? हाँ, बड़ी है। 90-95 मतलब 40-45 पैकेट के आसपास का आलू है। मतलब वो आलू देख के लग रहा है कि बड़ा बढ़िया निकला होगा। आलू देखो कितना बढ़िया, बड़ा मोटा आलू है और छर्री तो इसमें नाम को भी नहीं दिख रही है। ये बहुत मोटा आलू है। ये पैदावार इसी ऐसे आलू में ही पैदावार होती है अच्छी। बिके का भाव है आपके? ये 901 रुपये बिका ये। 901 रुपया कुंतल बिका है? तो अच्छा बिक गया बहुत। बाजार तो आज ऐसा नहीं दिख रहा है मुझे। बाजार तो 800-850 एक ट्राली 850 में भी बिकी है, 800 के नीचे भी बिका है। अच्छा, आवक की 40 मोटर होगी। 40 मोटर होगी आज। बैलेंस भी बहुत है यहाँ, लोगों ने खरीद के लगा रखा है कुछ लोगों ने। हाँ, इसीलिए आवक जो है पता नहीं चल रहा है कि बराबर कितनी होगी। जैसे 30-40 मोटर अगर आलू होगा आया होगा तो 15-20 मोटर लगा भी है। एक एक पार्टी का 3-3 हजार पैकेट लगा है। अच्छा, बैलेंस काफी लगा हुआ है। जो खरीद के लगा लिया कल लोगों, गाड़ी नहीं मिली या जानबूझ के लगा रखा है ये तो भैया ने। ये देखिए आप, तीन में जैसे थप्पी लगी है, तीन में उधर थप्पी लगी है। अच्छा, ये थप्पी लगी है, थप्पी लगी है, ये पीछे ही दिख रही है। कल बहुत था, 10-20 मोटर थप्पी थी, आज तो 10 मोटर फिर भी हो गया। अच्छा, जो परसों ओले पड़े थे शाम को, वो आपके उधर इफेक्ट था कुछ क्या? हाँ, हमारे यहाँ पड़े ओले, लेकिन ओले से ज्यादा ओले और बारिश से नुकसान तो अभी तक नहीं है। बारिश तो अपने यहाँ हल्की हुई है, लेकिन आगे जब धुलचा लग जाए या कोई बात हो जाए तब नुकसान होगा। अच्छा, अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि नुकसान नहीं है। अच्छा, लेकिन जैसे धुलचा लग जाए या कोई बीमारी फैल जाए तो हो सकता है नुकसान हो जाए। वैसे कुछ खेतों की बेलें जो है पीली पीली हो गई, आपके यहाँ बालू मिट्टी है पता नहीं आपके यहाँ? हमारे यहाँ तो अभी नुकसान नहीं है, जैसे जहाँ मोटी जमीन है और बेल भी समय कम हुआ है आलू का, वहाँ तो नुकसान हो सकता है। हमारे यहाँ तो 2.5 महीने के आसपास के आलू हो गए। हाँ, तो मैंने मतलब ये दरियागंज रोड पे देखा है, काफी खेतों की बेलें पीली हो गई है। उधर कुछ हल्की जमीन है, वहाँ भी नुकसान होगा। तो हल्की जमीन तो आपके यहाँ की भी है, लेकिन हमारे यहाँ टाइम हो गया ना, 2.5 महीने का आलू हो गया। मतलब आपके यहाँ अभी इफेक्ट है नहीं? ज्यादा प्रभाव नहीं है। जहाँ मोटी जमीन है, आलू का समय कम हुआ, वहाँ नुकसान हो सकता है। अच्छा, 40-45-50 दिन के आलू है। अच्छा, जो 70 दिन के हो गए वहाँ नुकसान नहीं होगा। अच्छा, देखते हैं कि मतलब कहाँ क्या है। और अभी मतलब कुछ जगह पे है, कुछ जगह पे नहीं है। कुछ जगह और मैंने ऐसा भी देखा, एक खेत में वहीं पे बाजू में है और एक खेत में बाजू में नहीं है। ओले भी ऐसे पड़े हैं कि एक खेत पड़ोस में, एक खेत में पड़ गए, दूसरे खेत में ही नहीं, बहुत कम है। अच्छा, ऐसा भी हमारे गाँव में मेंदिया में ओले पड़े, याकूतगंज में अवंती भाई स्कूल है जहाँ पे, वहाँ ओले पड़े, उस साइड में स्टेशन तरफ है ही नहीं। वो एक ऐसा था कि जैसे ओले की एक बेल्ट है, जैसे मैंने उधर देखा दरियागंज से लेके और रूनी तक ही, मतलब इतनी दूरी में थे दरियागंज से रूनी तक। दरियागंज के उधर नहीं थे और रूनी के इस तरफ नहीं थे, बहुत अधिक थे। अब जैसे मेंदिया में उधर पड़े हैं, राजा नगला बिल्कुल नहीं है। अच्छा, यहाँ मंडी यहाँ नहीं, यहाँ बिल्कुल नहीं है, वो मतलब रूनी के इधर है ही नहीं, रूनी की इधर है ही नहीं। तो आलू अपना बिका ये 900 रुपया, 901 रुपया।
ये देखो ये आलू बिका है 901 रुपया क्विंटल बिका है, लेकिन ये मार्केट रेट है नहीं आज जो ये बिका है, मतलब ये ऐसे बहुत अच्छे आलू होंगे वही बिके होंगे, कोई इक्का दुक्का हो सकता बिका हो, और बाकी मार्केट तो कम ही रहा है वो भी दिखाएंगे क्या है, लेकिन ये बिका है 901 रुपया क्विंटल। क्वालिटी देख सकते हो बड़ी बढ़िया क्वालिटी है ये, ये यहाँ पे भी देखो आलू कुछ तुल है, बढ़िया क्वालिटी के ही है ये, पीली मिट्टी के आलू आज अभी तक जो है ज़्यादातर पीली मिट्टी के ही आलू बिके हैं, और अभी निवल वाले आलू जो है वो बिकने को काफ़ी बाकी हैं, ज़्यादातर हाल यही है। और ये हमारे साथ हैं ये फौजी जी है, भैया आ जाओ वर्मा जी, हेलो, और ये कालीचरण वर्मा जी हैं, और ये देवकी राजपूत जी हैं। आज क्या मतलब मंडी का क्या पोजीशन चल रही है आज भैया? अच्छा कंडीशन तो यही मान लीजिए 750 रुपए से लेके 800 रुपए तक, 750 रुपए से लेके 800 रुपए जनरल भाव। जनरल भाव अच्छा, कुछ एक इक्का दुक्का अच्छे वाले आलू वो 4.5 जो पीली मिट्टी के आलू है जी, सुबह बिक गए जो सवेरे बिक गए हैं वो 850 रुपए में बिक गए हैं। अच्छा और अब क्या मतलब बाजार ढीला है क्या? अभी बाजार ढीला है, अभी आधा आलू बिक पाया है आधा भूसा भी नहीं है। अच्छा ये ढीले की वजह से थोड़ा दिवाली कम है, आवक भी कम है आज, आवक भी कम ही है, आमदनी कल से आज कम है। कितनी होगी ये? तकरीबन 80 मोटर तो होना चाहिए, 80 मोटर नहीं 30-40 मोटर के आसपास, 40 मोटर करीब, 40 मोटर के आसपास ही होगी, ज्यादा नहीं है आज। अच्छा हाँ, लेकिन उसके बावजूद भी दिवाली है, उसके बावजूद भी पड़ता नहीं है क्योंकि पूरी बात है कि ये आलू जो आ रहे हैं कल बरसात के खुदे हुए हैं, तो मिट्टी ज्यादा है आलू में लगी हुई है, शायद हो सकता है उसकी वजह से दिवाली कम हो रही हो। नहीं बाहर की मार्केट डाउन होगी, बाहर की तो मार्केट डाउन है ही, तो इसीलिए दिवाली और कम है, बाहर की मार्केट डाउन होंगे इसलिए दिवाली थोड़ी सी कम है। तो अपनी दुकान पे आज क्या क्या रेट बिके हैं? आज अपनी दुकान में आके आपके पीछे 861 रुपए में तुलना है। अच्छा, और ये क्या नाम से जो तुल गया है 2-3 लाट 841 रुपए में तुला है। अच्छा हाँ हाँ, और अभी 3 ट्राली बिकने के लिए बाकी है। अच्छा हाँ हाँ, निवल वाले भी कोई नहीं बिके? हाँ अभी निवल वाले बिके नहीं है। अच्छा देखो ये आलू जो तुल रहा है ये पीली मिट्टी का आलू है, बढ़िया आलू, ये तो बिका है 861 रुपये क्विंटल। तो अभी ये आलू बिके हैं बढ़िया बढ़िया वाले, ये पीली मिट्टी का जो अभी आपने देखा था उससे थोड़ा सा मीडियम है, तो उससे भाव भी नरम आएंगे। और इधर अपना एक तुल गया 841 रुपये, हाँ। वो भर गया है, वो 841 रुपये तुल गया है, 841 रुपये क्विंटल। और देखो ये जो निवल वाले अभी बिके नहीं है, ये बिके नहीं है अभी वो वाला 841। अच्छा, और ये भी अभी बिका नहीं है, और ये ट्राली जो है ये बिक गई है इसमें 841 रुपया पोस्ट करी है। ये 841 रुपया क्विंटल बिका है, तो बता रहे किसान है आप? हाँ, क्या रेट बिका है? 841 रुपया बताया गया मुझे। अरे क्या यार, मंगा उधर ले 5 लीटर मंगा, उससे क्या मतलब है? बिका जो रेट है वो बिका है। अच्छा, आप हैं कहाँ से? बगौना। बगौना कौन सा क्षेत्र पड़ेगा? नवाबगंज। नवाबगंज, अच्छा आपके उधर ओले वोले थे क्या? नहीं, आपके यहाँ नहीं पड़े ओले। अच्छा, बारिश वारिश कैसी रही? बारिश हल्की हुई है ना, बारिश तो सभी जगह हल्की थी, मतलब कहीं पे ज्यादा नहीं थी। ये हमारे साथ हैं आलू आरती शुक्ला जी हैं, अपना क्या नाम है भैया? गीतम राजपूत। गीतम राजपूत, गीतम राजपूत जी हैं, और ये किसान लोग हैं भैया, कहाँ से हैं दादा? सुरजन सिंह राजपूत, टांडा बहरामपुर। टांडा बहरामपुर, आप कहाँ से हैं दादा? अच्छा, आलू बिक गए आपके? जी जी बिक गया। क्या रेट बिके हैं? 851 रुपये प्रति क्विंटल। 851 कौन सी? यही वाले? हाँ जी, यही हमारा। अच्छा, तो क्या आपकी दुकान पे था? हाँ, आ गया था। अच्छा अच्छा, लोग हंसने लगे, भाई आप आड़त का की का, आप तो खरीदार है। हाँ तो, सही बात है, तो हम भी तो यही, हमने तो तभी से पूछा, हमने भी तो हमने चलो भाई एक ट्राली बेचते। अच्छा अच्छा, तो सब लोगों को इकट्ठा करके बोली लगवा दी। अच्छा अच्छा, तो कितना बिक गया? 851 रुपया बिक गया।
सुबह सुबह भाव कुछ और रहे और बाद में भाव कुछ और हो गए, ऐसा हुआ क्या? बरसात के वजह से किसानों ने सोचा कि आगे जितना लेट हम ले जाएंगे तो आलू तेज हो जाएगा, लेकिन जो किसानों की टेंडेंसी वैसे खरीदार की रही जाके उन्होंने कहा कि हाँ कल और मद्दा बिकेगा, कल और मद्दा बिकेगा। मैं सुबह के रेट की और अभी की रेट की बात कर रहा हूँ, मतलब जो सुबह रेट हुए बढ़िया आलू 821 रुपए तक बिके, और अब तो मतलब निवल वाले उस टाइम बिके नहीं थे, निवल वाले अब बिक रहे हैं, तो बिक रहे अभी बिका 801 रुपए बिका, 700 जो कमजोर आलू 741 रुपए, वही वही मतलब कमजोर वाले आलू मतलब रेट डाउन हो गए। आवक कितनी लगे, आवक कितनी लग रही है हमारे हिसाब से? करीब 60 मोटर होने की, 60 मोटर 40-50 मोटर के आसपास होगी होगी होगी। एक आइडिया है, लंबी काफी बड़ी मंडी है तो उसमें पूरा एक लाल लाल का आज क्या मार्केट रहा? लाल आज हमने खरीदा है, आज शुरुआत की है तो 851 रुपए लिया। 851 रुपए हाईलाइट गोल वाला? नहीं लंबा। अच्छा लंबा लाल तो कम दिख रहा है, एक आदमी मिले मुझे बिके नहीं थे। लाल का उत्पादन बहुत कम है और कम है। जो हमारे जो खेतों में भी है मैंने देखा है उसमें ग्रोथ जो मोटाई है कम हो रही है। अच्छा आप लोगों को यहाँ ओले वोले की तो समस्या नहीं आई? ओले पड़े थे परसों, थोड़े छोटे छोटे पड़े थे, हल्के थे बराबर, हल्के हल्के ओले, क्योंकि आपकी बेल्ट से होके निकले वो उधर, तो मतलब ज्यादा इफेक्ट नहीं रहा, प्रभावित नहीं है, बल्कि बरसात तो ही है उससे तो नुकसान होने ही वाला है। अच्छा आपके यहाँ पे हल्की मिट्टी है कुछ वहाँ पे, तो क्या झुलसा बुलसा की कोई शिकायत लग रही है वहाँ पे? मिट्टी हल्की भी है हमारे यहाँ और मोटी भी है, दोनों तरीके की मिट्टी है हमारे यहाँ, तो अभी तक तो झुलसे नहीं है, बरसात के बाद हो सकते हैं झुलसे की संभावना हो जाए। अच्छा कुछ जगहों पे ऐसा मतलब आ रहा है कि फिलहाल में, लेकिन उम्मीद है ये बरसात हो गई। ये वाला बिका अपना 841 रुपया, ये देखो पीली मिट्टी का आलू है, बढ़िया आलू है, 841 रुपया क्विंटल बिका है, तो आज बढ़िया आलू जो है वो सभी आपके ऐसे ही बिके हैं 800 के ऊपर और 800 से 850 के बिके, इक्का दुक्का कोई ऊपर बिक गए और वैसे 800 बढ़िया आलू, और निवल वाले रेट अभी भी मुझे नहीं मिल पाया, अभी देखते हैं कि निवल वाले क्या रेट। ये हमारे साथ हैं मुनीम जी ट्रेडर्स, आज क्या भाव बेचे हैं आपने आलू? अभी बेचे हैं आपने जस्ट? अभी अभी लेट बेचे हैं, हाँ क्योंकि लेट आज मतलब बहुत सारे आलू बिके नहीं थे जो अब लेट बिक पाए, तो अब लेट का क्या भाव रहा है? लेट की वजह से सुबह तो 850 रुपए के आलू बिके हैं जी, अब हमारे 771 रुपए में पूरा बेचा पड़ा। अच्छा सब मतलब जवार निवल उसमें सभी सब बेच दिया 771 रुपए। अच्छा तो वैसे एवरेज भाव क्या समझा जाए आज का? एवरेज भाव वही 750 से 800 रुपए। अच्छा और अभी आपने ये सब एक तरफ से बेचे हैं, मतलब सब एक ही रेट रखे हैं? एक ही रेट रखे हैं। अच्छा 19 पीस। अच्छा ये किसान लोग कहाँ से हैं आपके? कुठरी से। ये कुठरी ये दुनाईग है, एरिया बताओ मुझे, नवाबगंज एरिया है? कुठरी मंदिर के पास पड़ता है। अच्छा उधर नवाबगंज एरिया ही आएगा ना इनका? नवाबगंज। अच्छा आपके यहाँ बरसात आप कहाँ से दादा? दुनाई से। अच्छा उधर ही नवाबगंज साइड से आप भी उधर से हैं क्या? अच्छा बरसात तो ज्यादा नहीं है आपके यहाँ? नहीं नहीं बरसात नहीं है ज्यादा। अच्छा हमारे यहाँ कोई रोग भी नहीं है साहब आलू? हाँ अभी आपके यहाँ कोई रोग? कोई रोग नहीं। अच्छा और ओले वोले की कोई शिकायत उधर? अच्छा इधर देखो इनके इधर नवाबगंज की तरफ ना ओले की शिकायत है, ना झुलसा बुलसा की कोई शिकायत है, ना बरसात तो खैर अपने यहाँ कहीं ज्यादा नहीं है, सब हल्की फुल्की बरसात, वो हल्की फुल्की सब जगह हुई है और ज्यादा कहीं नहीं हुई है। और ये आलू सब एक ही रेट में? देखो ये एक ही रेट बेच दिए हैं साहब, हमारे पास 708 ट्राली थी, 771 771। ये देखो आलू सभी एक ही रेट में बिके हैं ये, और इसमें कुछ जबर भी हैं कुछ निबल भी हैं, जैसे ये वाला आलू निबल है और तो मतलब हाँ ये निबल है, तो जबर निबल सब मिला के जो है सौदा इनकी रही है ये 771 रुपए की, 771 रुपए क्विंटल। और ये भी आटो जरा, ये देखो पीली मिट्टी का 51 रुपए का बेचा है। अच्छा ये अलग बिका है? ये अलग। अच्छा ये देखो पीली मिट्टी का आलू वही 851 रुपया बिका है, और ये ट्राली 800 निवल वाले आलू ऐसे ही है, मतलब 750 और 750 और 800 रुपए के बीच में रहे हैं जो ऐसे आलू है, और ऐसे आलू तो मतलब 700 रुपए के आसपास ही आ जाएंगे, लेकिन ये सब मोटा और महीन सब एक ही उसमें बिका है, इसलिए ये बिक गया है वही 771 रुपया कौन सा।